जनसंख्या पे कई प्रकार के विचार आ रहे हैं और विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न विभिन्न विद्वानों से भी कई प्रकार के विचार आ रहा है ना। निश्चित रूप से जनसंख्या को लेकर एक अवलोकन होना चाहिए, इस पे अवलोकन की जरूरत भी है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जनसंख्या को लेकर योगी जी की सरकार काम कर रही है, मैं मुझको लगता है कि योगी जी के इस काम में उनको सफलता मिलेगी, इसके लिए शुभकामना भी है। और देश को आगे जनसंख्या के संबंध में कोई समीक्षा अवलोकन करने और विचार बनाने में उससे मदद मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश में आतंकवादी पकड़ाए हैं, ये चुनाव को देखते हुए है इस तरह की बातें करना? देखिए, आतंकवादी अगर कोई कार्रवाई का प्रयास करता है तो पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी मिलती है। पहले तो आतंकवादी को लोग बिरयानी खिलाता था और तुष्टिकरण वोट के लिए उसको संरक्षण देने के काम करता था, तो इसलिए यह उनको एक बार से धन्यवाद देना चाहिए कि आतंकवादी को किसी अंजाम देने के पहले ही पकड़ लिया गया। कितने बड़ी अचीवमेंट है, चुनाव आने वाले हैं, क्या उत्तर प्रदेश को देखिए एक बात आप समझिए, एक तो देश के किसी न किसी हिस्से में हमेशा चुनाव चलता है, तो इन सब विषयों को चुनाव से जोड़ना ही एक तरह से अच्छा नहीं है। यह चुनाव का तो कोई यह विषय नहीं है, यह तो देश की आंतरिक सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का, आतंकवादियों को समाप्त करने का, यह इसका सवाल है। और इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को या राज्यों जो राज्य सहयोग कर रहा है उसको सबकी उपलब्धि की बात है, तो यह तो देश के हित की बात है। अखिलेश जी को कहाँ समझ में आएगा, अभी तो उतने ही बोले हैं, थोड़ा देर के बाद हो सकता है कि अगला कदम यह भी आया ना। देखे ना दिल्ली वाली बाटला हाउस के समय जब आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई तो लोग कहा कि वह अन्याय हो गया, वह तो आतंकवादी था ही नहीं। और आतंकवादी को भी अपने राजनीति के लिए आतंकवादी न कहने की प्रवृत्ति रखने वाले अखिलेश जी या कांग्रेस या आरजेडी को, ऐसे नेताओं को मैं सलाह देना चाहूंगा, देश के विषय में सोचिए। इस प्रकार की भ्रामक बातों को कहकर ना यह ठीक नहीं है, देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश के लोग समझते हैं। मैं सलाह दूंगा, सामने आया है, कितनी बड़ी एक बात है, क्या पाकिस्तान कनेक्शन आतंकवादियों को सामने आया है, ये कितनी बड़ी बात है कि लखनऊ में बैठे हुए हैं। देखिए, यह पहले से, यानी कहिए कि पहले की कुछ सरकारों ने जिस प्रकार से उसको फला फुलाया है, इसलिए कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं कनेक्शन उसका पाकिस्तान से है। पाकिस्तान किस प्रकार से हिंदुस्तान को असुरक्षित रखने की सोचता है, वो उसकी सोच कभी कामयाब नहीं होने वाली है। माननीय मोदी जी की सरकार है, जिस तत्परता से कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान में घुसकर भी आतंकवादियों को सफाया किया जा रहा है, तो उस अखिलेश जी को यह भी बोलना चाहिए पाकिस्तान से उसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी जी कभी कभी और अखिलेश जी कभी कभी क्यों उस सब पाकिस्तान तो कभी चीन के साथ सुर मिला देते हैं? ऐसा सुर मिलाना क्या देश को क्या संदेश दे रहा है कि जो देश के की में सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसकी सराहना होनी चाहिए। लोकतंत्र है भाई, जब कोई सरकार को कामयाबी मिले तो उसको उसके लिए सराहना होनी चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।